जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। चले आज हम पोहा बनाने वाले हैं। ये पोहा देखने में आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना। ये एकदम खिला खिला पोहा बना है, तो उसके लिए हमें कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, एक कटोरी में हम यहाँ पोहे ऐड करेंगे। जो चावल के पोहे आते हैं वो मैंने लिए हैं, तो करीब यहाँ डेढ़ कटोरी हमें पोहा लेना है और उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और पोहा को हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। लेकिन वॉश करते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हाथों से हमें उसे रगड़ना नहीं है, सिर्फ वाटर से हमें उसे साफ़ करना है। और साथ ही मैंने यहाँ वन आलू को बारीक काट लिया है, वन प्याज को भी बारीक काट लिया है और साथ ही वन हरी मिर्च और आधा लेमन का जूस लिया है। तो यहाँ मैं एक सबसे पहले गैस चालू कर उस पर एक कढ़ाई रख देती हूँ और उसमें करीब 4 टीस्पून जितना हम यहाँ ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद जो कटे हुए आलू है वो हम उसमें ऐड कर देंगे। और गैस की आँच हमें मीडियम रखनी है जिससे आलू हमारे अंदर से भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए इसीलिए। और हल्के हाथों से हम उसे मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट पका लेंगे। तब तक मैंने यहाँ पोहे को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। देखिए वॉश करने के बाद पानी भी हमने उसका निकाल लिया है, तो कितना खिला हुआ लग रहा है। 2 से 3 मिनट के बाद हम फिर से आलू को मिक्स करेंगे और चेक कर लेते हैं कि आलू हमारा पका है या नहीं। देखिए चेक करने से पता हो गया है कि हमारा आलू पक गया है। अब आलू हमारा पक गया है तो उसमें हम जो कटा हुआ प्याज था वो हम उसमें ऐड कर देंगे और उसे भी आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। गैस की आँच हमें मीडियम ही रखनी है और मिक्स करते हुए आलू और प्याज को हम थोड़ा सा साइड में कर लेंगे। तो साइड में करते ही हम यहाँ जो साइड में तेल है उसमें थोड़ा सा करीब 1 चम्मच जितना सरसों ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून जितना खड़ा जीरा ऐड करेंगे और उसे 1-2 मिनट पहले पकने देंगे और पकने के बाद हम उसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए हमें थोड़ी देर उसे पकाना है। थोड़ी देर पकने के बाद हम उसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, सॉरी हरी मिर्च ऐड कर देंगे। जो कम तीखी वाली है वही मैंने यहाँ ली है, आप चाहो तीखी वाली हरी मिर्च भी ले सकते हो। तो इसके बाद हम उसमें पोहा ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से हम उसे मिक्स कर लेंगे। जब भी आप पोहे की रेसिपी बनाएं तो आपको हल्के हाथों से ही उसे मिक्स करना है जिससे हमारा पोहा है एकदम खिला खिला बने। इसलिए ज़्यादा आप उसे चलाओगे तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे इसलिए। और साथ ही हम यहाँ करीब 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार हम यहाँ करीब 1 चम्मच जितना नमक ऐड करेंगे। तो सभी वस्तुओं को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए हमें उसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। गैस की आँच हमें मीडियम रखनी है और मीडियम आँच पर हम उसे अच्छी तरह से पका लेंगे। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों आप मेरी रेसिपी देखते हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो
लाइक भी कीजिए और कमेंट कर भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो पोहा हमारा तैयार हो गया है, तो उसमें हम बेसन की सेव ऐड करेंगे और साथ ही उसमें कटा हुआ थोड़ा प्याज ऐड करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च और कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। हमारे यहाँ सुबह सुबह बारिश हो रही है, तो ये नाश्ता खाने में बारिश में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो साथ ही हमने यहाँ लेमन जूस भी रख दिया है और धनिया पत्ती से हम उसे गार्निशिंग करेंगे। दोस्तों, आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।